तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे पूरा मैंने पिछले बार भी कहा कि जो सबसे बड़ी बात है कि 3 साल का उन्होंने कार्यकाल का उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की पूरे देश के सामने कि मैंने क्या क्या किया, और ज्यादा केंद्रित भाषण उनका उसी पर। अब इस भाषण में पूरे में कश्मीर का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, विदेशी मामलों का मुद्दा है, इस बार उन्होंने ज्यादा इंफेसिस नहीं किया। इस बार इन बातों एक तरह से उन्होंने बस एक तरह से छोटी सी टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ गए। वो जानबूझ के ऐसा किया, उन्होंने कहा कि इस समय हम उन मुद्दे पे जो हमारी पॉलिसी है उन पॉलिसी को ओपन नहीं करना चाहते हैं, चाहे चीन के मामले में हो, चाहे कश्मीर के मामले में हो, या विदेशी मामलों में हो, या चाहे आस पड़ोस के मामले में हो, इस बातों पर उन्होंने चर्चा नहीं की। तो ये जो बड़े मुद्दे थे उसे प्रधानमंत्री ने जानबूझ के एक तरह से उनको एक तरह से हल्के से उसको जिक्र करके आगे बढ़ गए। उसके पीछे था कि इससे साफ जाहिर है कि 3 साल की जो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं उनके सरकार की, इन सारे मुद्दों पर उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब यह है कि कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा कि गोली नहीं गले से, तो ये गोली नहीं गले से लगने से ये हुआ कि हम बात करने को तैयार हैं, बात तो हमेशा, लेकिन उसको उन्होंने एक्सपर्ट तो किया नहीं। अब बात किससे करेंगे, गले किसको लगाएंगे, क्या पाकिस्तान को गले लगाएंगे? गले तो लगाना है आपको, वहां के जो लोग हैं वो गले लगाना, उनसे बात करनी है। ये बात स्पष्ट करता है कि मैं गले लगाने की जब बात करता हूं तो गले हम वहां के लोगों से, कश्मीरियों से लगाएंगे, पाकिस्तान या अमेरिका या चीन को गले नहीं लगाएंगे उनसे बात करने के लिए। तो ये एक दो लोगों के अंदर दुविधा हो सकती है कि क्या पाकिस्तान से फिर गले तो न लगाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान से 3 साल से प्रधानमंत्री जी बड़ी कोशिश कर चुके हैं प्रधानमंत्री के जो शासक वर्ग थे उनसे बातचीत करने में, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो उसी तरह आतंकवाद के मामले में भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लगता हो कि आतंकवाद का मामला ये सरकार बिल्कुल उसको बिल्कुल खत्म ही कर देगी जड़ से। जैसे पहले वो कहते थे कि अगर हमारे एक भी सैनिक को गोली मार जाएगा तो हम बिल्कुल लोगों को तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो इस बार ऐसी बातें नहीं। तो ये जो बातें थी, अगर वो ठीक है सीबी पांडे जी, इसीलिए वह है कि अपनी उपलब्धियों को गिना के आगे बढ़ेंगे, अपनी उपलब्धियों